जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। देखिए, दिल्ली पुलिस में जो आपके ड्राइवर की वैकेंसी है, इसको लेकर यहाँ पर जो आपके फर्जीवाड़े के मामले हैं वो आपके काफ़ी कुछ सामने आए हैं। जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ पर जो आपकी सेकंड शिफ्ट है उसके जो आंसर की है वो भी आपकी वायरल हुई थी, और वो आंसर की भी आपको हमने दिखाई थी जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी वही थी जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था। लेकिन फिर भी उस चीज़ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ आपके ऐसे सेंटर भी थे जहाँ पर आपके कुछ सीटर पकड़े गए थे, कुछ बच्चों ने उस पर आपका सवाल भी उठाया था, लेकिन वहाँ पर भी उस मामले को बाद में दबा दिया गया था। उनके ऊपर भी कोई सुनवाई आपके नहीं हुई, और यहाँ पर ये चीज़ें आपके उस टाइम कुछ बच्चों ने फर्जी बताई थी, लेकिन वहाँ पर सीटर बैठने के जो मामले थे वो अब आपके फिजिकल के टाइम सामने आ चुके हैं। इसका ऑफिशियल प्रूफ क्या है, और सबसे एक और बड़ी चीज़ इस आपकी न्यूज़ से क्या निकल के आई है, चलिए आपको सारी बातें बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह है आपके ऑफिशियल न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें आपको कहा गया है कि जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपके बायोमेट्रिक और फ़ोटो ली गई थी कैंडिडेट की, जब फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद वो आपके बायोमेट्रिक में मैच की गई थी तो वो आपकी मिलान जो है उसके रूप में सामने नहीं आई। यहाँ पर कितने बच्चे पकड़े गए थे इस फर्जीवाड़े में, तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी 18 अप्रैल की फिजिकल डेट है, इसमें सबसे जो आपका पहला बच्चा है जो कि हरियाणा का था, अमित बेनीवाल, वो आपका पकड़ा गया था। इसके बाद यहाँ पर 19 अप्रैल को रोहतक का जो प्रवीण था वो आपका इस मामले में दोबारा पकड़ा गया था, और यहाँ पर आपको पता है कि 28 अप्रैल तक जो आपकी फिजिकल हैं चलने वाली हैं, जो कि 14 अप्रैल से आपकी स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर 2 और 3 मई को आपका रिजर्व डे है। अगर किसी दिन किसी कारणवश फिजिकल आपकी कंडक्ट नहीं हो पाई तो वो आपकी 2 और 3 मई को कंडक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर अब जब फिजिकल आपकी कंडक्ट कंप्लीट नहीं हो जाती है तो और भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आपके आ सकते हैं। तो यहाँ से आपने एक चीज़ तो बिल्कुल साफ देख ली होगी कि जो आपके पेपर के टाइम सीटर का मामला आया था, जिसका बच्चों ने विरोध किया था, वो बिल्कुल आपका सही था। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, वो आपका एक सबसे बड़ा पॉइंट है। इसमें क्या कहा गया है कि 2007 में फर्जी लाइसेंस के जरिए भर्ती हुए ड्राइवरों का भी खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच जांच के बाद 12 ड्राइवरों को जो है नवंबर 2021 में बर्खास्त किया गया। तो इस बात का मतलब ये है कि इस भर्ती में कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जिन्होंने फर्जी तरीके से जो अपना लाइसेंस है वो बनवाया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2007 में वो भर्ती हुए थे, इसके बाद 2021 यानी कि 14 साल के बाद उनको जो है नौकरी से हटा दिया गया। कहने का मतलब है कि अगर आप गलत तरीके से भर्ती होते हैं, गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि भर्ती के दौरान ही सामने आएंगे, वो भर्ती होने के दौरान कभी भी सामने आपके आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मथुरा से दलालों के जरिए ये फर्जी लाइसेंस बनवाए गए थे। किसी ने 81 सिपाहियों के मथुरा से लाइसेंस बनाने की शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच की जांच में 31 का जो रिकॉर्ड है वो वहाँ नहीं मिला। इसमें से जो 12 ड्राइवर हैं इनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर इस बात से आप ये भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि जिन बच्चों ने फर्जी लाइसेंस बनवाया है, या तो वो अभी स्तर हो जाइए, या फिर आपको इसका जो खामियाजा है भर्ती होने के बाद भी कितने सालों के बाद भी भुगतना पड़ सकता है। जिन बच्चों ने फर्जी तरीके से पेपर दिया है उनका भी मामला सामने आएगा, जिन्होंने सीटर के रूप में पेपर दिया है वो भी पकड़े जाएंगे। यहाँ पर जो धांधली है वो आपकी बिल्कुल सामने आएगी जब तक आपकी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाती है। तो ये थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर जो भी आपकी भर्ती होती है, कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आप भर्ती हो, ताकि आपके सिलेक्शन के ऊपर कोई दाग न हो। तो आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।